हेलो जी, वेलकम बैक टू नैनीताल। और मैं वापस नैनीताल में हूँ। बात कुछ ऐसी है कि जितना भी मेरा सामान है इस रूम में, वो सब कुछ पलवल जाना है मेरे नए फ्लैट में। तो कल सुबह मूवर्स एंड पैकर्स आने वाले हैं, तो मैं आज ही आ गया हूँ अपने घर से इधर, ताकि थोड़ा चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लूँ, तो पैकिंग में आसानी होगी और लोडिंग अनलोडिंग में भी। और सारी चीज़ें डिसओरिएंटेड है। और दूसरी चीज़, मुझे थोड़ा ऑफिशियल काम थे, वो भी निपटा लेता हूँ। एंड आई नो कि मेरे को ट्रिमिंग एंड हेयर कट की ज़रूरत है, ये सब होगा पलवल जाके, क्योंकि यहाँ मुझे टाइम मिला नहीं। वेलकम टू सेकेंड डे एट नैनीताल। और गुड मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही थी, तो मूवर्स एंड पैकर्स को आने में थोड़ा लेट हो गया है। चीज़ें रेडी हो रही हैं, पैकिंग हो रही है, थोड़ा मतलब थोड़ा क्या पूरी हो रही है। और बारिश हो रही थी तो मैं भीग गया हूँ, बाल देख रहोगे आप। तो अभी ये पैक होने के बाद दौड़ होगा, फिर ये लोग निकलेंगे, साथ ही साथ मैं भी निकलूँगा। और अभी शायद बारिश बंद हो गई है, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट इज़ नाउ क्लियर एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल लेक ऑफ नैनीताल। दिस इज़ हाउ द पैकिंग इज़ गोइंग। एंड अभी शायद अंदर मेरा बैग खुल रहा है, एज यू कैन सी। एंड यहाँ अपने कपड़े वगैरह लोड हो रहे हैं। आराम से ले जाइएगा, यही सबसे मुश्किल चीज़ है बाकी तो। सो थिंग्स आर ऑन द मूव। उधर है पार्किंग, उधर जाना है सारा सामान, उधर ही लोड हो रहा है। एंड शायद 10-15 मिनट और लगेंगे, उसके बाद मुझे यहाँ दोबारा ही करना है। इधर काफ़ी ख़राब हो चुका है, बारिश हो रही है इधर, तो थोड़ा मुश्किल हो रही है। फाइनली सारा सामान पैक होने के बाद लोड हो चुका है कुछ, बस मेरा एक बैग रह गया है यहाँ पर, ये भी जा रहा है। मैं बस अपने साथ एक बैग पैक लेके जा रहा हूँ, सिर्फ उतना ही, बाकी सारा कुछ लोड होके आएगा। सब खाली खाली हो गया अपना रूम, पहले भरा भरा था। और नैनीताल के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अभी बारिश हो रही थी और अब धूप आ रही है। One hour later. तो अभी 3 बजे हुए हैं और मैं हल्द्वानी पहुंच चुका हूं। और करना क्या है मुझे कि ये स्कूटी मूवर्स एंड पैकर्स को देनी है, सो दैट वो इसे भी पलवल पहुंचा दे। तो और लेट हो रहा हूं क्योंकि ट्रेन भी है अभी 3:45 की, तो इसको फटाफट दे के आता हूँ। वैसे स्कूटी नैनीताल में ही लोड हो जाती है, लेकिन लास्ट वीक जब मैं हल्द्वानी आया था तो मैं इसको लेके आया था, अपनी डीके वहाँ रख दी थी, तो आज इसलिए मुझे इसको लेके जाना पड़ रहा खुद ही। अभी एडवेंचर सा हो गया क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे काम थोड़ा ज़्यादा ही करना है। इसको डिलीवर करना है, फिर रेलवे स्टेशन आना है, और सुबह से लंच भी नहीं किया है, तो शायद कुछ उसके लिए पैक कराऊँगा आपको। जैसे ही मैंने ये बोला कि भाई हम व्लॉगिंग के लिए टाइम निकालते हैं, तो वैसे ही मैं लेट और मैं पहुंचा ट्रांसपोर्ट नगर। वहां मैंने अपनी स्कूटी लोड कराई, तो भैया मैंने टाइम देखा 3:40 हो चुका था एंड ट्रेन थी मेरी 3:45 की, वो भी हल्द्वानी से, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर से 3 से 4 किलोमीटर है। एंड बीच में इतना ढेर सारा ट्रैफिक, बहुत अच्छा हुआ जब मैं दी के वहाँ से निकल रहा था स्कूटी में, तो अपने फ्रेंड को कॉल कर दिया था कि भाई तुम मुझे लेना आ जाइयो, तो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। तो हमारे बंटू आए फटाफट बुलेट लेते हुए अपनी रॉयल एनफील्ड। अब रॉयल एनफील्ड में इतना पुश इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि भैया भाई ने बुलेट ले रखी है। अब मैं बाइक बोल दूँ, टू व्हीलर बोल दूँ, तो नाराज़ हो जाएगा ना भाई, इसलिए ये थोड़ा स्क्रिप्टेड था। ठीक है, तो भाई ने अब 5 मिनट में तो क्या ही छोड़ता वो, ठीक है, 3:45 की ट्रेन थी हल्द्वानी से, तो मुश्किल था। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुझे लालकुआ छोड़ते हैं, जो कि हल्द्वानी से 15 किलोमीटर है। तो उसने मुझे वहाँ ड्रॉप किया विद इन 10 मिनट्स एंड फाइनली मैं ट्रेन मिल गई थी मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि थक चुका था पूरे सुबह से। तो फिर पहुंचा पलवल मैं 11 बजे, रात के 11:30 हो रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया मुझे पलवल आते आते। लेकिन आज के लिए मैंने होटल में चेक इन कर लिया है क्योंकि कल से तो अपने फ्लैट पर रुकना होगा, कल अनलोडिंग है। तो अभी मेरा मन नहीं था वैसे व्लॉग शूट करने का, लेकिन मैंने कर लिया, सोचा अभी पहुँचा हूँ तो कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो अभी मैं सोऊंगा और सुबह मिलूंगा आप। हालात ख़राब है मेरे पलवल आके, जुकाम लग चुका है क्योंकि, और आज का दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल था। जब ट्रक ड्राइवर सामान छोड़ने आया तो उसे रास्ता मिला नहीं, और रास्ता न मिलने की वजह से मुझे उसे ढूंढना पड़ा और कुछ भी व्लॉग नहीं बना पाया मैं। और उसके बाद बहुत ही स्ट्रेसफुल था, कुछ सामान लेके आना था बाज़ार से रूम के लिए, तो उसके चक्कर में सारा टाइम निकल गया। अभी शाम के 7:30 बजे हुए हैं, तो फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने सोचा व्लॉग बना देता हूँ। तो ये सारा सामान बिखरा पड़ा है, मैंने बस अपना बेड सेट करवाया हुआ है ताकि मैं सो सकूं। तो ये सारा सब कुछ मैं
कल सेट करूँगा अपने रूम का। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर डे। और आज का काम है ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, कल हो नहीं पाया था, सो 1 बजे तक मुझे ये सब कुछ निपटाना। गीला है क्योंकि मैंने साफ किया था। और एक बात बता देता हूँ, हालत ख़राब हो गई है, तो जो लोग अभी घर पर रहते हैं ना, कभी जब तुम सिंगल रहोगे तो उसके लिए रेडी हो जाओ भाई, घर पे काम कर लिया करो, क्योंकि मैं नहीं करता था तो मेरी तो वाट लग चुकी है, इसलिए मैं लंच भी नहीं बना रहा हूँ, बाहर करूँगा। तो कर लिया करो यार घर पर काम, मैं नहीं कह रहा हूँ, दादाजी कह रहे हैं, चलो बाय।